हाँ भाई, मजा आ रहा है पालने में सो के? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है तुमको? जमाई ले रही है ऐसे? जग गई का? दादी आ गई। जगी जगी हो गई भैया। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी को शोरूम पर छोड़ने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा ये मैंने सेल कर दी थी, तो इसमें कुछ इसके कुछ पार्ट वगैरह वो डलने नए, तो ये चली जाएगी। और छाया मेरे साथ जा रही है क्योंकि उधर से मैं इस स्कूटी से आ जाऊँगा। चले भाई, चलो हेलमेट ले लिया, चलते हैं। मैं जा रहा था, देखा गाड़ी के स्टायर में पंचर है, अब आप कम है बहुत ज़्यादा, तो ये भी चेक कराना पड़ेगा आपको। क्या ठीक है? ये गाड़ी में पंचर हो गया इसमें, देखो हवा नहीं है, सो कम है, सो हवा इसमें कम है, और उसमें भी कील दिख रही थी मेरे को, चेक करवानी पड़ेगी एक बार, आगे देखता हूँ। चलो भैया, एक काम ख़त्म हुआ, अब दूसरा काम कर लेते हैं, गाड़ी का पंचर लगवा लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। भैया पंचर वगैरह सब लग गए, पीछे वाले टायर में 2 पंचर थे, आगे वाले में बहुत बहुत ही माइनर सा है, मतलब उसको करवाना तो उल्टा टायर को वो वाली बात है, टायर में तो उल्टा उसमें पंचर करोगे, उसमें तो ऐसा है कि वो 20-25 दिन में जाके बहुत ही वो मिल भी नहीं रहा ढंग से, तो ऐसा पंचर है, तो उन्होंने कहा इसमें कुछ मत करवाओ फालतू में, आप अपने टायर को ख़राब करवाओगे। ठीक है, मैं वैसे ये भैया जो है इन पर बहुत सही है, मैं पहले भी इनके पास आया था जब मेरा टायर वायर फट गया था, उन्होंने कहा था कि आप इसमें देखो मैं पंचर लगा दूंगा, इसमें 2 पंचर एक साथ लगेंगे, पर फ़ायदा नहीं, वो ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं, तो मैं तो आपसे 100 रुपये ले लूँगा, पर आप फिर बाद में बोलो तो अच्छा ही रहेगा। तो हमेशा एक जेनुइन राय देते हैं, तो इस चीज़ के लिए मुझे बड़े सही लगते हैं कि सही बोलते हैं कि भाई देखो इसमें पंचर मत लगाओ, इसमें आप ये करवाओ, इस टायर को चेंज करवा दो और ये टायर ऐसे करवा दो, तो बहुत सही है ये बंदे। चलो अभी घर चलते हैं, अपना काम हो गया। गुड मॉर्निंग अलग से लग रहे हैं भाई, जग गई। ये देखिए ये कहाँ से आ गए, इतने सारे काम करके आए हुए हैं, तुम सोते रहते हो, चलो काम करेंगे। तुमने हाथ धोए? और क्या, आते ही पहले हाथ धोता हूँ साबुन से, इतने नहीं गंदगी गंदगी होगी तुम। हाय बड़े मेरा बाबू, उसको छूने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है कि नहीं भाई? मेरे बाबू, चलो ऊपर चलते हैं, अब दूध पीना, दूध पीना है, भूख लग गई। चलो अभी तो ना, अभी तो चीची करेगी तब दूध पिएगी। चीची करेगी? चीची बुआ। रूरू बुआ आ गई कमरे में, ऊपर उसी कमरे में रहना, ऊपर एक हफ्ते तक तेरे को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। रूरू 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 बाबा की तरफ देख ले, बाबा की तरफ। मैं देखूंगी बाबा ने, देख देख देख, बोलो बाबा। रूरू रूरू हट जा, लड़ जा बाबा को, हट जा, लड़ जा बाबा को, ये खटक उतरे बाबा, हट जा। ये रस्सी मैंने बनाई है, वो मंगाया था ना तुमने मशीन से, क्या थी वो घुमाने वाली, दूध निकालने क्या है उससे, घी निकालने वाला, उससे फेंट के मस्त एकदम गाड़ी पूरे भर के, पूरा भर के पीऊंगा। तुम भी पियोगे? आज बड़े दिनों बाद लस्सी मिली है, जल्दी बन गई होगी ना उससे तो। हाँ पर चीनी मिलने का टाइम लगता है, चीनी मोटी है। क्या हो रहा है? वो क्वारंटाइन है तो यहाँ क्यों बैठी है? वो कपड़े दिखा रही है मुझे, वो डिस्टेंसिंग वाला चल रहा है। डिस्टेंसिंग उड़ के आ गया तो? अच्छा उड़ के आता होगा, तुमने देखे पढ़ा नहीं है क्या? तो थोड़ा सा और डिस्टेंस पर रखना, यहाँ बैठ। टाइम भी चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ। मास्क पहन ले अपना, या फिर तू मास्क पहन के करते हो? क्या चल रहा है वो वहाँ बैठ के दूर से दिखा रही है यार, इसे इसे वहाँ वहीं छोड़ दिया बच्चे को। किधर? मैं सुला दे। नहीं छोड़िए, मेरी गोदी में तुम्हें दिक्कत हो रही है। एक हफ्ते तक तेरे को इसी रूम में रहना अभी। चलो हाँ ऐसे रह। चले अभी हमने क्या है यहाँ पे, इसमें गाने चला रखे हैं और
मस्त सो रही है, मतलब जब गाने चला दो हल्के हल्के और एक सही टेम्परेचर होता है, ज़्यादा इसको ढकना पसंद नहीं है, मैं देखा इसको गर्मी लगती है, इसको ना हल्के से बस कपड़ा इसके ऊपर डाल दो, जैसे अभी आज तो थोड़ा फिर भी ठंडा है तो थोड़ा ये भी डाल रखा था, पर वैसे इसको बड़ा मस्त एक कोजी वाली है ना, वो ऐसी वाली मस्त सोती है। अब देखो कैसे हो रही है, अभी हम इसको नीचे लेके जाएंगे और आज से मन खाना बना रही है तो चलो नीचे चलते हैं और उसको वहीं खिलाएंगे। इसका पालना भी नीचे रख दिया क्योंकि वो ज़्यादातर दिन में नीचे रहती है, 5 बजे के बाद ही मम्मी के पास नीचे रहती है। अब देखो कैसे, अभी हंस रही थी थोड़ी देर पहले, मस्त सो रही है। ओह ये लो अब जगेगी, जगे जाओ जगे जाओ, चलें। अरे उठी नहीं है अभी तक, बहुत भारी है, बहुत भारी है। निम प्यास उठा था ना कि कुछ कर रहा है, वापस सीक रहे हैं उठाना। लूरी लूरी लूरी, खाने में क्या खाओगे टीवी आज? जो तुम्हें अच्छा लगे। यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा यार, आलू आलू खा के समझ में तो नहीं पड़ेगा भैया, मेरी चप्पल नहीं मिल रही यार। एक तो चप्पल देखो नीचे हो गई, मम्मी बुआ ने अपनी पूरी पैकिंग कर ली है। किस टाइम जाएंगी बुआ? सुबह सुबह आगरा की बस में बैठेंगे वहाँ से सीधी, सारा बात उतर जाएंगी। सही है, मैं तो कह रहे थे आने ना कल, हमारे घर में से एक एक क्या कहते हैं बंदा और कम हो जाएगा, बुआ भी जा रही है कल। क्या हो गया तेरा, कैसे इतनी समझना है? चिंटी मोमोज खाने चलते हैं। मोमोज खाने चलते हैं? कौन से मोमोज? घर में खाना बनाया, घर में खाना बनाया, चलो ना पेट खराब है वैसे तो तेरा। नहीं ठीक हो गया, मैंने दवाई ले ली, दवाई ले ली और एकदम मोमोज खाने हैं। मोमोज इतने हैवी थोड़ी होते हैं। अच्छा मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है सब, हाँ, एकदम हाँ। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा है मेरा। अच्छा हाँ अच्छा, तुम लोगों की तरह लोलू पोलू नहीं है। अच्छा अगर कुछ समय के एनालिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गड़बड़ाहट तुम्हारे साथ ही होती है। हाँ। नहीं यार अब लग गई सर्दी तो लग गई, अब क्या करें। कहीं लग गए सर तो लग गए सर्दी, सर्दी लग गई फिर भी मोमोज खाने तो अब तो ठीक हो गया ना। अब तो ठीक हो गया तो अब खा सकता हूँ। मोमोज को मोमोज तो खिला दो, मैं मोमोज नहीं हूँ प्लीज। मोमोज नहीं तो मोमो है, मोमो भी नहीं हूँ यार मैं मोमो जैसे लिखता हूँ नहीं, कमेंट में बताएंगे लोग कि तुम मोमो जैसे लगते हो कि नहीं। बस मैं बोलना नहीं चाहता कौन मोमो जैसा लगता है। तेरे को बोल लिए, मेरे को बोल लिए, ये लड़ाई करवाना चाहते हैं इन्हें कुछ ना कुछ डायलॉग। मैं गोल वाला मोमो हो सकता हूँ, मैं लंबे वाला मोमो नहीं। तो फिर तो गोल वाले तुम भी हो, मैं कोई सा भी नहीं हूँ। मुझे नहीं मोमोज दिखना पसंद नहीं है, मोमोज खाना पसंद है मुझे। कल परसों मैं खाई हूँ, हाँ चाउमीन मंगाई थी इसने वो बर्बाद करी, उसने खाई नहीं, वो खाई नहीं, वो पेट में चल के फौज बन गई। फिर ऐसे से पहले कोरोना को मत करा मुझे, कोरोना घर में ही रहता हूँ यार। और पता है उस दिन वो चाउमीन से पूरी नहीं खाई और आज से मोमोज खाने, अब ये खा मेरे वे, अब ये बता पेट भी खराब है इसका और फिर भी मोमोज खाने, अरे मुंह तो चिपक रही है और मैं रूरू खिलाऊं तो रूरू को नहीं आ जाओ, हट जा हट जा, तुम्हें नहीं होगा ना, मुझे हो रहा है, मैंने दवाई ले ली है, आई एम ऑल गुड फाइन। अब ये कोरोना के चक्कर में कर रही है ना, करी कोरोना के चक्कर में मुंह कोरोना कर रही, अरे हम भी घर में ही रहती है, होना होगा तो हो जाएगा। तू सो मत, हट 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 जा, मम्मी को देने दे, हट तो सही, अरे रुक तो जा, एक मिनट रुक तो जा, दिखाता हूँ एक चीज तेरे को, कैसे धक्के मार मार के हटा देती है और अपनी पोती को देख कैसे चिपक चिपक के क्या करती है। तू दूर रह जाते तो खांसी आ रही है भाई। मैं किसी नहीं कर रहा उसे एक भी, वो भी 2-3 दिन से। तो मैं तो कर रही हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ और अब तो मैं ठीक भी हो गया। मेरे बाबू मेरे को कोई भी नहीं कर रहा हूँ, सामने में अब सब भूल गए, अब नहीं खाने, नहीं अब सब भूल गए इसको, अब कोई मोमोस मोमोस नहीं खाने इसको, खाऊंगा रोटी खावे बस, रोटी खाएगी बस मेरे चुन्नू मुन्नू। तो
तेरे लिए कुछ भी मत मंगाओ। मंगाने की थोड़ी कह रही है, जाने की कह रही है मोमोज खाने के लिए। अब इस टाइम 9:30 बजे जाओ, मुझे खाने दो। तो भैया अभी हम जा रहे हैं फिर मोमोज खाने, क्योंकि मैं कल का क्या है तो मैंने मैंने वीडियो में बताया था ना, तो अब ये आके बताया नहीं था, दिखाया था वीडियो में। और इसके लगी हुई है कि भाई नहीं अब तो खाना है, मोमोज खाना है ऐसे। और ऐसे आती है चिंटी करी जरा, कैसे कैसे आइयो कैसे आती है एक करके तो देखा कैसे करती है ना, ये चिंटी मुझे मोमोज खाना है ऐसे आगे करेगी। जैसे इसको इसको जब कुछ भी चाहिए होता ना ऐसे चिंटी। अब वैसे भाई साहब कोई मतलब नहीं है, चिंटी मुझे मोमोज खाना है, कुछ चाहिए होता जब ये आती है चलो अब चलते हैं भैया, मतलब सीरियसली तुम्हारे काम नहीं करता मैं, नहीं एक भी काम नहीं करती। फिर चिंटी कितने गंदे हैं यार, गंदे नहीं सही है, कभी आज तक होता कौन सा कभी से आज तक उस दिन मैगी मंगाई थी आज तक दूध बनाने के लिए, हां दूध बनाने के लिए बोला था उस टाइम पे। एक बार मैंने मैगी बनाई, इसमें है वो, कहां है वो, है मैं मैगी बना के लाया था। ये ना अपनी वो इमेज दिखाना चाहता है, आई एम ऑलवेज द पॉजिटिव वन। ऐसे बनके मत बोल तू, तो ऐसे बनके बोलती है, लोग बोलते हैं बनके बोलती है कितना। आई एम द अबनॉर्मल वन, कमेंट आया था ये अबनॉर्मल है, इसको नॉर्मल करो इसको लड़की को। पर ये पर इसकी पैदाइशी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा इसके दिमाग में देखो चोट लगी हुई, यहाँ पे दिख रहा है ये देखो चोट है, तो जब से ऐसी हरकतें करती है तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब तो चोट लग गई और अंदर का चीज तो मिल गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो अभी पीछे जो मंडप पड़ा था यूवी क्लब के नाम से, यहीं पे हमारी शादी हुई थी, याद है सिमन? यस, इनका विवाह हुआ। ये याद है, ये भूलने वाली बात है। ये हमारे घर के पास ही है, याद आता रहता। चलो अभी मोमोज खाने चलो, हफ्ते में एक बार खाने नहीं खिलाने, क्योंकि हमें तो खाने हफ्ते में। रूरू को भी बता दिया कि हमारी शादी यहाँ हुई थी, बताऊंगा अभी, वो थोड़ी सी और जान पहचान हो जाए उसके साथ। नहीं तुमने बता दिया वैसे उसे। चलो अभी देखते हैं मोमोज, सर्चिंग फॉर मोमोज। ओह प्लीज, मोमोज सर्चिंग, तुम दोनों मोमो। यस, तुम दोनों मोमो। तुम दोनों मोमो। हाँ क्या क्या ऑर्डर कर दिया तूने? दो फुल मोमोज प्लेट। पैक करवाया है किसे खाने के लिए? ले लिया, एक तो प्रिया के लिए लिया है और एक मेरे। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे ही आते हैं बस घूमने, जिन्हें कुछ नहीं मिलना। कौन कौन है ऐसे कुछ लोग आते हैं? कौन है कुछ लोग? दिल पे पत्थर रखते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी दिन आएगा, तुम भी खा पाओगे। दिल पे पत्थर रख के मैंने मोमोज नहीं खाए, कुछ ऐसे करके बना लो तुम अपना। जाओ। तो भैया अभी अभी पता चला है कि यूपी के लिए कुछ गाइडलाइंस आ गई हैं, अभी लॉकडाउन तो नहीं लगा यहाँ पर, और कुछ गाइडलाइंस आ गई हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी। पर अभी ना नाइट कर्फ्यू वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जिस हिसाब से लग रहा है कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं कि लॉकडाउन भी लग जाए। पहले नाइट कर्फ्यू लगेगा मेरे हिसाब से, उसके बाद फिर लॉकडाउन को आई थिंक एक्सटेंड कर सकते हैं अगर केस नहीं रुके तो। चलो देखते हैं क्या होगा। आटा किसी और के लिए, खाता कोई और है। मैं तो टेस्ट करके देख रहा हूँ कि मतलब ठीक है कि नहीं तेरे लिए। इट्स हेल्दी और नॉट। दिवेश हमेशा ऐसे करता है ना छाया। चले पैक हो गया आगे तेरे। वो पिल्ली के लिए। पेट पूजा हो गई। अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलिए जरा। हो गया हो तो चटोरी औरत। मैं चटोरी ये पीछे वाली हूं। औरत तुम हो? हां सही। तुम हो? मुझे लगा तुम मेकअप। मैं इधर देख रहा था। ये भी औरत नहीं है, लड़की है। चिंटी कुछ भी बन सकते हैं। ओके। टाटा गुड नाइट। गुड नाइट। आँख बंद कर लो। आँख बंद कर लो। कर लो। तुम करो, मैं नहीं, तुम करो आँख बंद। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? चलो गुड नाइट। गुड नाइट। चलो गुड नाइट कर दी बाबा को, और तुम भी कर दो रूरू को गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट रूरू। गुड नाइट। ले जाओ बाबा।
दूध पिला दो इसे, दो आई दूध पिला। चलो अब सो जाओ चुपचाप, सो मिलेंगे। आंख बंद करो, पंखा चला देता हूँ बस। मम्मी काजल लगा दे मेरे, मुझे काजल दे दे माँ। काजल लगा दे उसके आंखों में। कोई लाते आगे बढ़। वीडियो खत्म करो भाई, वीडियो खत्म करो। खत्म, ऐसे नहीं होती। ये कोई उसका बादशाह नहीं है, एमवी का गाना है। खत्म, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। क्या हो गया, क्या हो गया यार? मेरा 10.5 किलो वजन गिर गया है, क्या ये नॉर्मल है? अरे भैया लास्ट व्लॉग में बताया तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो बात चल रही है, सब अबनॉर्मल है, अबनॉर्मल है यहाँ पे देखो, ठीक है सब। और रूरू मतलब रूरू आज हल्ला वल्ला नहीं बचा, मस्त सो भी नहीं रही है, क्योंकि हम भी नहीं सो रहे आज, पता नहीं बातें से चल रही है। तो आज कुछ भी हम बातें कर रहे हैं तो हमारी तरफ देख रही है और बस देख जा रही है, चलो इस वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सारी बची हुई वीडियोस जो नहीं देखी है वो भी देखें। बची हुई वीडियो, हाँ बहुत लोगों ने बची हुई वीडियो देखी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप इसके बारे में बताओ, ये कौन है, क्या है, कैसे। तो अब अगर सारी वीडियोस देख लोगे, लास्ट महीने की भी जो 30-35 वीडियोस हैं बस, अगर वो भी देख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ है। वैसे अब रूरू को आई थिंक 1 महीना 6 दिन हो गए, हाँ है ना। अब जाके थोड़ा सा टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल तो सही नहीं हुआ है, पर अब जाके हम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए बाय।